गोरखनाथ थाना अंतर्गत एक युवक को गुरुवार को गोली मारने की घटना का गोरखपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ, स्वाट सर्विलांस प्रभारी, क्राइम ब्रांच टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभियुक्त के नाम राजकुमार केसर, गणेश कुमार गुप्ता और गौरव सोनकर है। पुलिस के सामने इन तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि उन्होंने ही उस युवक पर गोली चलाई थी। इस संबंध में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि अंबेडकर पार्क खड़ावा फाटक पर नदीम नामक युवक को गोली मारने की घटना हुई थी। उसमें चार लोगों की संलिप्तता रही, जिसमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर कुमार सिंह ने कहा, चार थे तो एक अभी नहीं मिला है, बाकी तीन मिल गए। सब फुटेज में भी आए थे, फुटेज भी में भी आए हैं, वहाँ से भागते हुए पीछे करो थोड़ा मोबाइल पीछे। कल दिनांक 21 फरवरी 2019 को ये गोरखनाथ क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर पार्क खड़ावा फाटक, वहाँ पर एक घटना घटित हुई। नदीम नाम के युवक को केसर में गोली मारने की घटना हुई थी। उसमें कुल मिलाकर चार लोगों के संलिप्तता रही है, जिसमें से तीन लोगों की गिरफ्तारी टीम द्वारा की गई है। एक राजकुमार करके हैं, एक गणेश कुमार करके हैं, एक गौरव सोनकर करके हैं, और जो मुख्य अभियुक्त हैं गोलू, जिनके द्वारा ये फायरिंग की गई थी, अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। ये इनका आपसी विवाद था, आपसी विवाद पहले भी रहा है, कल भी उसी क्रम में कुछ बातचीत हुई, आपसी विवाद कारण ही घटना हुआ है। अभी ये जांच का विषय है, अभी इस पर जानकारी की जा रही है। पिस्टल इसकी पिस्टल वहाँ 32 के राउंड मिले हैं, दो खोखा मौके से बरामद हुआ और चार का इस्तेमाल किया गया था। ये आपसी इन लोग का विवाद चल रहा था कुछ दिनों से, अभी उसको हम मतलब और गहनता से देख रहे हैं। ये है कि विवाद अंबेडकर पार्क में नदीम और कुछ युवक वहाँ पहले से जमा थे, और वहाँ कुछ बातचीत हुई है, और उसके बाद वहाँ पे गोलू इन तीन अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ मौके पे पहुँचा है, और मतलब मारने की नीयत से पहुँचा है, और वो असलाह लेके आता है, और वहाँ तुतुमे में शुरू होने के साथ ही, जो कि अभी मतलब बयान में आया प्रथम दृष्टया, वो मतलब फायर कर देता है 32 के पिस्टल से। मौके पे दो राउंड मिला है, फुटेज देखा गया तो मौके से भागते हुए तीन लोगों को एक ही वाहन पर देखा गया है, और उसमें से सिर्फ एक मतलब गोलू बचा है, और जो बाकी दो और एक और अन्य साथी जो मौके पे फुटेज में नहीं आ पाया, वो भी आपके सामने है। तो कुल मिला के अभी गोलू भी फरार है, गोलू के पास ही वो असलाह है। ये अरे पादरी बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। विवाद नदीम के साथ था, नदीम का किससे विवाद था, मतलब तीनों में किससे? गोलू के साथ विवाद था, चूंकि मतलब गोलू और गोलू के साथ गणेश, गोलू के साथ जो गणेश नाम का युवक है, ये दोनों एक रॉक बॉटम नाम का हुक्का बार है, वहाँ पे मतलब कार्य करते हैं, और मतलब बड़े करीबी मित्र भी हैं। तो अभी जब गोलू पकड़ा जाएगा, चूंकि नदीम इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ मतलब बता पाए, गोलू जब पकड़ा जाएगा तो वहाँ से कारण और स्पष्ट होगा। कोई लड़की का मामला है क्या? अभी तो ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी बैकग्राउंड है क्या? वो जांच का विषय, जांच चल रही है, चूंकि अभी गिरफ्तारी दो घंटे पहले ही हुई है।